दिल्ली में एक धमाका होना, ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है, ये बताता है आज का ये धमाका। केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में। दिल्ली में एक स्कूल में, स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ रोहिणी इलाके में। रोहिणी इलाके में हुआ ये बम धमाका बहुत चिंता करने वाला है कि त्योहारों से एन पहले, जब त्योहारों के अवसर पर लोग जगह जगह असेंबल हो रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिवाली मिलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे भी मार्केट्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है और बढ़ेगी, वैसे में दिल्ली में एक धमाका होना ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है, ये बताता है आज का ये धमाका। केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। ये जो धमाका हुआ, इससे स्कूल की दीवार गिर गई, उसको नुकसान हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आज छुट्टी का दिन था। अगर ये हादसा स्कूल के दिन हुआ होता तो सोचो क्या होता और क्या गुजरती उन बच्चों पर जो अपना भविष्य बनाने के लिए वो नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज की, आज इस धमाके की। मैं ही हिला हुआ हूँ, डर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फ़ोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। ये तो लोग मुझसे कह रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में लोग किस हद तक डर गए आज की इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी के नकारेपन से, बीजेपी की केंद्र सरकार की लापरवाही से और उनकी एकदम जो नींद में सोए हुए हैं वो, उससे दिल्ली के लोगों में आज के धमाके से कितनी दहशत हुई है इसका अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बात आज की होती तो शायद वन ऑफ घटना होती। दिल्ली के लोगों की चिंता का विषय यह है कि आज जब ये ब्लास्ट हुआ और उस समय जिस समय टीवी पर यह न्यूज़ देख रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, उसी समय लोग अखबारों में कल की खबर भी पढ़ रहे थे कि कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में, वेलकम कॉलोनी में, वहां पे एक लड़की घायल भी हुई है। मतलब ये हो क्या रहा है? कहीं से कोई आके दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है, कहीं से कोई गैंगस्टर आके खुलेआम हवाई फायरिंग करके चला जा रहा है, 60 राउंड फायरिंग करके चला जा रहा है। किसी गैंगस्टर को कोई डर नहीं है, किसी बम प्लांट करने वालों को कोई डर नहीं है, ये हो क्या रहा है दिल्ली में? और ये आज और कल की घटनाएं होती तो भी बड़ी चीज थी कि चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चूक हुई हो सकती है, कोई एक चूक मान सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाओं को देखें तो जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक गैंगस्टर्स का आतंक हुआ है, रंगदारी वसूली के, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली के जिस तरह से धमकियां दी गई हैं लोगों के शोरूम के सामने, लोगों की दुकानों के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो सिर्फ कल की घटना नहीं है, वो दिल्ली में लगभग लगभग रोज हो रहा है कि किसी इलाके में किसी दुकानदार को धमकी दी जा रही है, उसकी दुकान के सामने फायरिंग की जा रही है, रोज ये घटना घट रही है दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में ही हाईलाइट हुआ था किस तरह से नारायणा विहार में एक बड़े गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी देके एक कार शोरूम के मालिक से पैसे मांगे। उसके ठीक पहले महिपालपुर में हमने देखा कि किस तरह से एक होटल मालिक को धमकी देके एक गैंगस्टर ने किस तरह से वहां फायरिंग की, उसको धमकाया और उससे पैसे मांगे, उससे वसूली के पैसे मांगे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के सामने इसी तरह की घटना हुई, गैंगस्टर्स ने खुलेआम वहां पर फायरिंग की और लोगों से पैसे मांगे, उस व्यक्ति से मिठाई के दुकान वाले से वसूली के पैसे मांगे। ये चल क्या रहा है दिल्ली में?
केंद्र सरकार को जरा अंदाजा भी है कि उसके जिम्मे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आभास है कि दिल्ली के लोगों ने उसको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी हुई है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है।